तो देखो धक्के खाते खाते हमें चढ़ने में लगे थे 10 घंटे, अभी बज रहा है टाइम करेक्ट 12, देखते हैं नीचे कितनी देर में पहुंचते हैं। मुझे उम्मीद है कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। हम अपनी नीचे की यात्रा चालू करते हैं। जाते जाते जो भी सीन वगैरह हो सके वो कैप्चर करूंगा। अभी तो बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी है तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब बादल बादल हो गया हर तरफ। यार ये बार बार आके घोड़ी घोड़ी क्यों पूछते हैं, अजीब टाइप का फील आता है। ये तो घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, ये लोग आके पूछ रहे हैं घोड़ी घोड़ी घोड़ी। तो क्या करूँगा घोड़ी का, घोड़ी घोड़ी के लिए अपन पैदल चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ का मूड था कि रोप वे पे जाते जाते मस्त अपन वीडियो बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे उतरते उतरते बहुत सारी सीन्स हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। भैरू बाबा नेक्स्ट टाइम, वैष्णो देवी फिर जाएंगे और भैरू बाबा भी जाएंगे, इस बार नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो चढ़ने में तो पूरी पूरी वाट लगी थी, उतरने मेरे को लगता है शायद ना लगे, क्योंकि क्या चढ़ने में हालत ख़राब होती है, उतरने में नहीं। भाई साहब बादल दिख रहे, पूरे बादल, आते टाइम बारिश और अंधेरा था, अभी जाते टाइम बादल है। जो सीन देखने तो दिख ही नहीं पा रहे, उस चक्कर में रुक भी नहीं सकते कि बादल हटे और देखें। बस ये रास्ता दिख रहा हमें, जैसे इस पहाड़ी से नीचे देखने की कोशिश करो, बादल ही बादल है, बादल ही बादल, इतनी धुंध है क्या बताऊँ। थोड़ा बहुत पहाड़ दिख रहा होगा तो पता नहीं। भाई साहब रात में हम यहाँ से गए थे और वो जो चेन का देख रहे हो ना, जो पत्थर गिरने से रोकने के लिए होता है, वो भी मेरे को दिख रहा है कि मतलब लैंडस्लाइड जोन था वो। देख रहे हो ऊपर, देख रहे हो जाली लगी हुई लोहे की। तो जैसा आप लोग देख सकते हो इतना बादल है कि आगे के 4 बंदे नहीं दिखाई दे रहे, पीछे के भी नहीं दिखाई दे रहे, 4-8। तो अभी भाई ने बताया कि उसका वेट उसको इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, वजन ज़्यादा तो आदमी आराम से नीचे उतर सकता है, लेकिन चढ़ते टाइम दम लगाना पड़ता है, फट के चार ना हो जाए। वैसे अभी तक तो आराम ही लग रहा है, करना कुछ नहीं, पैर उठाना है, धीरे धीरे चलते जाना है, स्पीड पे कंट्रोल रखना है और नीचे उतर जाओगे। यार मेरे को आ रहा है गुस्सा, जाते टाइम अंधेरा था और बारिश हो रही थी, उतरते टाइम बादल हो रखे, सीन जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता था तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, 0 विजिबिलिटी। तो देखो जो रास्ता है पूरा घूम घूम के जाता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और बादल की वजह से पूरा दिख भी नहीं रहा, पहाड़ी भी नहीं दिख रही सामने की, बस इधर का रास्ता दिख रहा है, और लोग ऐसे पिट्ठू पर भी बैठ के जाते हैं, एक जन को 4-4 जन लेके जा रहे हैं। देखो फिर से वही घर बनाने वाली प्रथा, माता रानी से मना रहे हैं कि यहाँ घर बनाए तुम्हारे घर बन जाए। देखो मेरा बन गया 4 फ्लोर का, ज़्यादा टाइम भी मैंने 4 फ्लोर का बनाया था, आते टाइम भी 4 फ्लोर का बनाया है, और यहाँ गाड़ियाँ चल रही भाई साहब बताओ, रात के बनती सबकी सब, रात के मिली रहती तो इसी में बैठ के चल जाता था। मोनी भाई अपना घर बनाने में लगे हुए, 6 फ्लोर हो गए हैं भाई, संभाल के, ज़्यादा लालच नहीं। बाकी लोग बहुत सारे बना के गए। तो देखो ऐसा है, हमने 12 बजे उतरना चालू किया था, 1:30 बज चुके हैं और अभी तक हम अर्थ कुमारी नहीं पहुँचे, हमें पता नहीं कितने देर में आएगा, लेकिन आना चाहिए। पैर दुख रहे हैं, बीच में उन्होंने रुक के वही कॉफ़ी का ब्रेक लिया था, क्योंकि क्या है ना थोड़ा एनर्जी भी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा, और हमने उसमें शक्कर भर भर के डाली, क्योंकि कैलरीज ऊपर नीचे कितनी भी हो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जरूरत से ज़्यादा ही बर्न हो जा रही है। तो अब देखो क्या होता है कि कब तक पहुँच पाते हैं। अर्थ कुमारी जाके हम रुकेंगे, कुछ खाएंगे, घर वालों का वेट करेंगे, फ़ोन लगाएंगे घर वालों को, पूछेंगे हम रुके कि हम खा पी के आगे निकल जाएँ, जैसा वो लोग बोलेंगे वैसा किया जाएगा। बाकी तो उतरने में मज़ा आ रहा है ना, यस चिल एकदम चिल, नो एफर्ट्स। इसका वजन 90, मेरा 85, हम लोग ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। मन कर रहा कोई ठेला दे दो, उसको बैठ के ऐसा स्टेयरिंग व्हील लगा के ऐसा निकल के पो पो मार के निकल जाऊँ नीचे, भीड़ को साइड हटाते हुए। बस एक चीज़ का काम है, अभी तक बादल नहीं हटे, बादल हटे तो थोड़ा ऐसा फुटेज लूँ बाहर का, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाहता था आते टाइम भी और जाते टाइम भी, दोनों नहीं हो पाया। एक चीज़ अच्छी है कि रास्ते पर ऐसा स्पीकर्स लगे हैं, बढ़िया भक्ति सॉन्ग बजाते हैं, सुनते सुनते जाओ अच्छा लगता है, मोटिवेशन बना रहता है। रात के सब बंदा बड़ा दुख हो रहा था मेरे को, तो अपन खुद का स्पीकर लाए थे, वो बजा बजा के सुन के चढ़ते थे, लेकिन फिर भी हम जल्दी नहीं चढ़ पाए, हमारी हवा टाइट हो गई थी। तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ कमाल की चीज़, ये ऊपर दिख रहा है ये जुरासिक पार्क वाला जाली है, इससे क्या होता है पत्थर रुकते, पत्थर डायनासोर तो आते नहीं इधर, तो पत्थर रुका जाते। बाकी सीन कुछ ऐसा है कि इनके पास बहुत पैसा है, इतना सिस्टम लगा रखा है, इतना सिस्टम लगा रखा है, हर तरफ पहाड़ देख रहे हो जोरदार, व्हाट अ सीन ब्रो। अभी हम देखो वहाँ थे, वहाँ से चलते चलते इधर से इधर घूम के आए और फिर इधर इधर घूम के फिर वैसे जाएंगे, ऐसा करके ना तो 10-12 बार करना पड़ता है। और बात ऐसी है कि बस बादल नहीं हट रहे,
मज़ा तो आ रहा है चलने में, और हम काफ़ी आदरस्त तक पहुँचने वाले हैं उतरने के। उमस वापस से, हाँ उमस वापस से चालू हो गई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तुम भी बोलो जय माता दी, कमेंट में बोलो जय माता दी। तो फाइनली पूरे दो घंटे के बाद हम पहुंच गए अर्धकुमारी, मतलब कि आधा रास्ता। हम कल जहां बैठ के ऐसा राजमा चावल खाए थे, वो व्लॉग आप कल के व्लॉग में देख सकते हो, कल के परसों के व्लॉग में, दो दिन पहले का सीन है वो। क्योंकि क्या है ना, फुटेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें तीन व्लॉग बना दिए, चढ़ने के और दर्शन करने के और आज उतरने के, तीन मतलब ऑलमोस्ट। और यहाँ से वही स्टॉप है जहाँ से आपको ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ मिल सकती हैं, इसमें 350 पर हेड लेते हैं और आपको ऊपर तक छोड़ के आते हैं। आपका लगभग 6 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो बच जाता है। अगर आप लेना चाहो तो काउंटर यहीं पे रहता है अर्धकुमारी, जैसे आप पहुँचते हो वहाँ से। तो भाई साहब, पहली बार किसी ने पब्लिकली रिकॉग्नाइज़ किया है। एक फॉलोअर थी इंस्टाग्राम की, मतलब उसका छोटा भाई कुछ ज़्यादा ही मेरे ब्लॉग्स देखता है, उन्होंने अभी अभी यहाँ पे बताया कि आप वही हो ना जो ब्लॉग्स बनाते करके वाला। अच्छा, इतनी खुशी क्या ही बताओ, अच्छा लग रहा है, मेहनत रंग लारी लगता है। और एक चीज़ और मेरे को, मतलब मैंने नाम ज़्यादा पूछ नहीं पाया, वो फैमिली के साथ थी तो थोड़ा मेरे को ऐसे नहीं, उतना इंटरेक्ट में नहीं कर पाया, बट फिर भी बढ़िया लगा। और यहाँ वैष्णो देवी आते ही ना मेरे को मेरी फर्स्ट इनकम हुई है, मतलब ऐसा ब्लॉगिंग के थ्रू। हालांकि सिर्फ 30 रुपये की हुई है, लेकिन हुई है 30 रुपये ही ना पे। 8 महीने से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, उसके पहले 2 साल से, और मतलब लगभग 2.5 साल से, 2.5 साल की मेहनत से 30 रुपये आए हैं, तो उस 30 रुपये की वैल्यू मैं जानता हूँ। तो अभी ऐसा बहुत अंदर से अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे पब्लिकली पूछे आप वही हो, कितना अच्छा लगता है। तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम कल रात को रुके थे जब बारिश हो रही थी। और फिर अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेंगे, आधे घंटे का हॉल्ट लेंगे। अपन दोनों एकदम घोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नीचे तक उतर जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। लाइन से खच्चर 650 रुपये लेंगे, यहाँ से नीचे पहुँचा देंगे तत्काल प्रभाव से। लेकिन अपन जाएंगे सीढ़ियों से और रैम से, चलते चलते पैदल। तो देखो, मैंने और भाई ने डिसाइड किया था कि हम उतरते टाइम शॉर्टकट्स लेंगे। चढ़ते टाइम मैंने एक बार लिया था सीढ़ियों का सहारा, हवा फट गई थी, मतलब कुछ और फट गया था लेकिन हवा टाइट हो गई थी। तो अभी उतरते टाइम सीढ़ियों से उतरेंगे, जल्दी जल्दी नीचे पहुँच जाएंगे। उतरते टाइम जोर नहीं लगता ज़्यादा, बस थोड़ा आराम आराम से चलते जाओ और शॉर्टकट लेते जाओ, रिलैक्स। तो देखो, सीढ़ियों से उतरने का नज़ारा कुछ इस टाइप का है, खटाखट शॉर्टकट लो क्योंकि बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे। तो हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, और जिस रफ्तार से मार रहे हैं हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हमें ना सोने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जो हम एक्स्ट्रा थक रहे हैं जल्दी जल्दी, तो एक्स्ट्रा सो भी सकते हैं, बाकी तो शरीर की वाट लगी पड़ी है। तब ये वाला शॉर्टकट देख के लग रहा सीधा कट रहा ही उतारेगा भाई, इतनी सीढ़ी है मैं बताओ, उतना ऊपर से है, इतनी नीचे तक जाएंगे तो फिर तो कट रहा ही पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी बहुत दूर कट रहा है, और वहाँ जाने में हमारा ही फट रहा है। देखो, करके आना पूरी तैयारी, चढ़ना और उतरना दोनों पड़ेगा बहुत भारी, हमारे टांगे कांप रही हैं बहुत ज़ोरों से, क्योंकि हमने सीढ़ी वाला रास्ता चूज किया और उसके बाद से जो टांगे कांपना चालू हुई हैं, हम ऐसा बुड्ढो टाइप उतर रहे सीढ़ियों से, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, शिविर कर रहा है भाई, पैर लिटरली शिविर कर रहे, जान नहीं बची। ऐसा भी हम सोए नहीं है, ढंग से खाए नहीं है, समोसा और चाय पे कितना टिकेंगे, नीचे चलते कुछ खाते। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर दिया है मैगी का, मैगी खाने के बाद आगे जाएंगे भाई साहब। तो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स खा के और मैगी खा के थोड़ा एनर्जी जुटा के फिर से चल पड़े हम लोग। 3 किलोमीटर बचा है, 3:30 बज चुके हैं, 3.5 घंटे से हम लोग नीचे ही उतर रहे हैं। मेरे को लगता है 1.5 घंटा और लगेगा अपने को, क्योंकि जिस हिसाब से पैरों की हालत हो रखी है, काफ्स मसल्स एकदम जाम हो गए हैं, पैर एकदम शिविर कर रहे हैं, हालत ख़राब हो रखी है भाई साहब। आने से पहले तैयारी करके आना, स्टेमिना होना चाहिए, तो हमारे ऐसा हाल हो गए, रेंगते रेंगते नीचे जाओगे। मेरे को सच्ची में कोई स्लाइड दे दो, एक स्लाइड ही बना देते, 2-4 स्लाइड, सुर सुर उतरते रहो। तो देखो भाई, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, नीचे आराम आराम से जाना है, नीचे उतर के सीधा ऊपर नहीं जाना है। पसीना, हालत ख़राब, पैर कांप रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, इसलिए मैं लेट गया हूँ, भाई बैठा है, और भी बहुत नीचे जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत धुंध हो रखी है, सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखता है यहाँ से सिटी, लेकिन बादल के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। रात को बहुत अच्छी लाइट दिख रही थी, मेरे को लगता है दिन में अच्छी फुटेज लूँगा सिटी की,
बट किस्मत खराब, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। देखो मैं हो गया यहाँ पे लंबा लेट, एकदम फुल रिलैक्स भाई, उधर कर लो रिलैक्स। देखो हम नहीं नहीं करते करते भी लगभग 2000 सीढ़ियाँ उतर चुके हैं, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि मौत आनी है तो आने दो, बस चलते चले जाओ, क्योंकि अब जो भी है सब दुखी रहा है, ये दुख खत्म हो नहीं रहा, दर्द भी खत्म नहीं हो रहा है, अब सीधा होटल जाके लेटना है। तो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही पहुंच गए, बस यहाँ से बाहर निकलना है, और हमें काम करने में पूरे लगे 4 घंटे 20 मिनट। हवा टाइट हो गई है और अगले 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे होटल, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, और घर वाले मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद आ पाएंगे, क्योंकि बहुत पीछे हैं वो लोग, और हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए। तो मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हो, हमने जाते टाइम यहीं से पिट्ठू किया था मासी के लिए और अनु चाचा के लिए, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से 100-200-250 मीटर बाहर मेन गेट है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑटो करेंगे, होटल जाएंगे भाई, हालत ख़राब होगी। तो यहाँ पे हो गया अपना RFID का कलेक्शन वापस, और अब सामने अपने एग्जिट, फाइनल एग्जिट। तो अभी अभी हुई घर वालों से बात, इन लोग को लगेगा लगभग 2 घंटे, तो इसलिए हम जा रहे हैं होटल। फाइनली मेन एंट्रेंस ये था जहाँ से हम गए थे कल, और आज यहीं से वापस होटल चलते हैं, कुछ कुछ बातें शेयर करते हैं और फिर ब्लॉग एंड करेंगे थोड़ी देर में, काफ़ी सारी बातें बतानी है। तो करेक्ट 5 बज रहे हैं, हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, मैं और मोनी भाई करेंगे आराम, घर वालों को आने में लगेगा मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर नहाएंगे, और उसके बाद कुछ बातें हैं जो बताएंगे, ठीक है, दर्शन करके कैसा लगा, क्या मोटिव था वगैरह वगैरह, थोड़ी देर में। तो देखो हो चुका है मेरा नहाना, और ऑर्डर कर दिया हमने खाना, क्योंकि घर वालों का वापस आने का नहीं है कोई ठिकाना, 2 घंटा 3 घंटा कुछ भी हो सकता है, या जल्दी भी आ सकते हैं। तो हमें जोरों की भूख लगी है, तो मैं और भाई खाना खा लेंगे और फिर आराम करेंगे। भाई भी अभी नहाने जा रहे हैं, नहा के डिनर करके, डिनर मतलब लंच करके जो भी, अभी क्योंकि 5:30 बज रहे हैं, तो डिनर और लंच का कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, डिनर और लंच का कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, ट्रंच, हम ट्रंच करेंगे और फिर टंच होके सोएंगे, फिर उसके बाद रात के 1 बजे ट्रेन भी पकड़नी भाई साहब। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले दर्शन की बात करते हैं। दर्शन में क्या हुआ, हमने 10 घंटे चढ़ने में लगाए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लाइन में लगे, सब चीज़ की मतलब रात भर वहीं वेट किया, सोए रात भर, क्या मतलब अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे तो 8 बजे अंदर गए, हमने 7:30 बजे चढ़ाई चालू की थी, तो उस हिसाब से मतलब 12-13 घंटे लगा के हमें हार्डली 3 से 4 सेकंड के लिए दर्शन करने मिला माता रानी का। और भैरवनाथ हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारा ट्रेन का इशू हो रखा था, जो हमारी कल की ट्रेन है वो हमने तत्काल में बुक की, मतलब बहुत ही अर्जेंटली बुक की, क्योंकि जो हमारी कल ट्रेन एक्चुअली बुक थी वो शाम की थी, और वो ट्रेन ही रद्द हो गई, मतलब पूरी ट्रेन कैंसिल हो गई, तो मैं तुरंत उन्हें टिकट करानी पड़ी, तो रात के 1 बजे की मिली, वो भी आज ही रात को 1 बजे पकड़ने वाली ट्रेन है, नहीं तो फिर हम कल शाम तक हमारे पास टाइम होता तो हम भैरवनाथ जाके दर्शन करते अच्छे से, तो वो एक दिक्कत होगी बहुत बड़ी। और देखो दूसरी चीज, वैष्णो देवी आके मेरे को अच्छा तो बहुत लगा, मेरा मन बहुत था बचपन से, मैं बहुत ऐसा देखता था, सोचता था कभी जाने का, लेकिन कभी मौका मिला नहीं, इस बार मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा, साथ ही साथ मैं अभी ब्लॉग भी करता हूँ तो मेरे को रिकॉर्ड करने का भी मौका मिला सब चीज़ें। एक थोड़ा सा कसर रहेगी कि चढ़ते टाइम रात थी, उतरते टाइम बादल थे, तो मैं पूरा व्यू नहीं रिकॉर्ड कर पाया अच्छे से, सिटी वगैरह रात को लाइटिंग बहुत अच्छी दिख रही थी, वो आपने देखा होगा ब्लॉग में, बट डे टाइम में जो व्यू आता वो बादलों की वजह से खत्म हो गया था, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था और कुछ नहीं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो वैष्णो देवी के दर्शन करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि देखो लाइफ में जो तुम्हारा गोल होता है, जैसे कि हमारा गोल था वैष्णो देवी के पास पहुँचना, उनके दर्शन करने, जो तुम्हारा लाइफ में गोल है उसके लिए कदम कदम बढ़ाया जा और माता रानी के गीत गाए जा, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो, कभी ना कभी लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी, जैसे हमें 10 घंटे मिली, हो सकता है 10 साल में मिले, हो सकता है 1 साल में मिले, हो सकता है 10 महीने में मिले, हो सकता है 10 दिन में मिले, डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत के ऊपर और तुम्हारी मेहनत के ऊपर। तो ऐसा है कि जब भी थक जाओ कोशिश तो करो, थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, फिर से कोशिश करो, जैसे मैं करता हूँ। अगर पूरी स्टोरी बताऊँगा ना भाई तो तुम्हारी आँखों से आंसू आ जाएंगे। तो देखो दर्शन करके कैसा लगा कमेंट करके बताओ, घर वाले वापस आएंगे तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे ट्रेन पकड़ने के वास्ते, क्योंकि उनको भी आने के बाद थोड़ा नहाना धोना, फ्रेश वेश होकर थोड़ा रेस्ट करने का टाइम चाहिए, फिर हमें यहाँ से जम्मू निकलना है, अभी हम कटरा में हैं, कटरा से जम्मू जाना है, जम्मू से हमारी ट्रेन है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा ऐसा भाग दौड़ी होने वाला है, और 1 बजे की ट्रेन पकड़नी ये छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई को पुणे जाना है और उसकी ट्रेन ऑलरेडी बुक है, उसको कॉलेज नहीं पहुँचा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो बस अभी ड्रंच करते हैं और फिर ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, दूसरा ब्लॉग जब घर वालों के साथ अपन निकलेंगे रिटर्न जर्नी के लिए तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय माता दी। तो देखो ड्रंच करने से पहले मैंने सोचा कि चाय पी लूँ, क्योंकि अभी अभी मैं नहाया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ठंड की वजह से बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि गर्म पानी तो था लेकिन ठंडा पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि गर्म पानी भी ठंडा हो गया, तो तबीयत ना ख़राब हो इस वास्ते थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, थोड़ा अपना फेफड़े वगैरह को आराम मिलेगा, शरीर को और पेट को भी मिलेगा। चाय थोड़ी ज़्यादा ही दे दी भैया ने, और अपन फिर खाना खाएंगे तुरंत। चाय पीने के बाद खाना कौन खाता है बोलोगे, तो भी देखो अभी तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ शेड्यूल है ही नहीं, तो जो हो रहा है होने दो। तो अपना ड्रंच हो गया मस्त, पांच पांच रोटियां खाई, दाल चावल खाई, पनीर भुर्जी खा, गले तक पेट भर गया है। घर वाले नीचे उतर चुके हैं, 6 बजे फोन आया कि नीचे पहुंच गए और अभी होटल की तरफ आ रहे हैं, तो आधा घंटा 45 मिनट लग सकते हैं। तो मेरी पैकिंग भी हो गई, भाई भी पैकिंग कंप्लीट कर रहा है और हम अभी लंबा लेट हो गए सोएंगे, जब तक घर वाले अपना नहाना धोना पैकिंग सेकिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़नी है और यहाँ से निकलना भी है मेरे ख्याल से 2-3 घंटे के अंदर ही, लास्ट टू लास्ट 9 बजे यहाँ से कटरा से निकल जाना है जम्मू, ताकि 1 बजे वाली ट्रेन पकड़ सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 239 यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो सब कुछ बढ़िया था, बस एक चीज़ बुरी लगी, इतना मेहनत करके गया इंसान सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए दर्शन, नॉट फेयर, कम से कम 1 मिनट तो देना चाहिए, कुछ नहीं तो आधा मिनट तो देना चाहिए, 5 सेकंड बहुत बेकार बात है। ठीक है, जो है सिस्टम इनका, क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन अच्छा लगा के। फिर कभी भविष्य में मौका मिला तो आएंगे और भैरव जी के दर्शन भी करके जाएंगे, क्योंकि बोला जाता है कि जब तक भैरव जी के दर्शन ना करो तब तक दर्शन अधूरा ही रह जाता है, तो हमारा अधूरा ही रह गया तो दोबारा आके पूरा करना पड़ेगा।